आरा मंडल कारा में छापेमारी, डीएम एसपी के नेतृत्व में की जा रही छापेमारी। भारी संख्या में पुलिस बल और जेल प्रशासन के द्वारा मंगल कारा के प्रत्येक कैदी वार्ड की सघनता से चल रही है तलाशी। जेल में बंद कैदियों के बीच मजा हड़कंप। बिहार के आरा मंडल कारा में आज डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुई, जहां छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और जेल प्रशासन के द्वारा मंगल कारा के प्रत्येक कैदी वार्ड का सघन चेकिंग किया गया। हालांकि तलाशी के दौरान जेल के अंदर से कुछ भी ऐसी चीजें बरामद नहीं हुई हैं, जबकि भोजपुर डीएम रोशन कुशवाहा और प्रभारी एसपी स्वप्निल मेश्राम सहित सदर एसडीओ ज्योति सहदेव व एएसपी हिमांशु कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल ने जेल के अंदर और बाहरी सुरक्षा को लेकर करीब 3 घंटे तक छापेमारी की। वहीं अधिकारियों द्वारा छापेमारी की खबर मिलते ही जेल में बंद कैदियों के बीच हड़कंप मच गया और उनके बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मंडल कारा में छापेमारी को लेकर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि ये एक रूटीन के तहत छापेमारी किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर सिक्योरिटी ऑडिट सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच की गई है। चल रही है लगातार और रेगुलर छापेमारी जैसा लगातार प्रशासन करता रहता है, उसी के तहत आज भी छापेमारी की गई है। कुछ ऑब्जेक्शनल आइटम्स अगर मिलते हैं जैसा रहता है तो आप लोगों को और फर्दर रिपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो अभी कोविड नॉर्म्स के बाद जो मिलने वाले लोगों की दिक्कत और ये सारी चीज़ें हैं, जेल का सिक्योरिटी ऑडिट, इसके बारे में भी कार्रवाई की गई। थैंक यू सर। भोजपुर न्यूज़ के लिए आरा से निक्की की रिपोर्ट।